40 वर्षीय सिंगर हार्डकोर उर्फ तरण कौर ढिल्लो, जिन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हार्डकोर के गाने बहुत पॉपुलर हैं और लोग अक्सर ही हार्डकोर के बहुत से गानों को सुनते हैं। वहीं अपने कुछ विवादित बयानों को लेकर हार्डकोर पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में बनी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को गलत बोलने और हिंदुस्तान से पंजाब को अलग करने वाले अपने बयान को लेकर हार्डकोर काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी हुई है। लेकिन इसी हार्डकोर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि हार्डकोर को पहचानना मुश्किल हो रहा है और वो चोटिल नजर आ रही हैं। ये जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इनमें आप भी देख सकते हैं कि हार्डकोर के चेहरे पर चोटों के निशान और होठों पर सूजन साफ देखी जा सकती है। दावा यह किया जा रहा है इन तस्वीरों के साथ कि किसी प्रशंसक ने उन पर हमला कर उनकी जमकर पिटाई कर दी है। आपको बताते चलें कि अश्विनी शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा है, हार्डकोर जिसने सुबह मोदी जी और अमित शाह को गलत कहा था और हिंदुस्तान से पंजाब को अलग करने की बात कह रही थी, शाम होते होते किसी सिरफरे भक्त ने इनका चेहरा बदल दिया, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ और ऐसे यूजर्स हैं जो इस तरह के दावे कर रहे हैं। हार्डकोर की पिटाई वाली तस्वीरों को लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर मजाक उड़ा रहे हैं और लिख रहे हैं कि किसी सिरफरे फैन ने हार्डकोर के चेहरे का नक्शा बदल डाला है। गौरतलब है कि बीते दिनों हार्डकोर ने दो विवादित वीडियो बनाए थे, जिनमें एक में वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी और दूसरे में भारत समेत केंद्र सरकार को अपशब्द कहती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि इन वीडियोस के बाद कार्रवाई करते हुए उनका इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन इन तस्वीरों की सच्चाई भी वो नहीं है जो दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें हार्डकोर ने बहुत पहले अपलोड की थी, जब उनकी अपनी किसी कलीग के साथ हाथापाई हो गई थी, और ये तस्वीरें हार्डकोर ने अपने वेरीफाई इंस्टाग्राम पेज पर 1 जुलाई 2019 को पोस्ट की थी और दावा किया था कि भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके किसी सहकर्मी ने साल 2017 में उनके साथ हाथापाई की थी। मतलब साफ है कि ये 2017 की फोटोग्राफ्स हैं जिन्हें मोदी और अमित शाह का नाम जोड़कर आज वायरल किया जा रहा है। इन तस्वीरों में कतई कोई सच्चाई नहीं है और ये पूरी तरह से फेक हैं। अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।